अस्सलाम वालेकुम, आई एम आकिब मकसूद हाशमी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम पीसीएचएस फाउंडेशन बॉयज कॉलेज। बेटा, इस लेक्चर में हम चैप्टर 13 सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर रिकरेंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट करंट की बात की करेंगे। बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फिजिक्स की ब्रांच इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और डायनेमिक्स मीन्स मोशन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील द फिनोमेना ऑफ मूविंग चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बेटा, चैप्टर 12 में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात की थी, यानी रेस्ट चार्जेस की बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, यानी मूविंग चार्ज की बात करें। बेटा, चार्जेस जो मूविंग कर रहे होते हैं उससे जो फिजिकल क्वांटिटी ज़हन में आती है वो है करंट। करंट क्या है बेटा, करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज करंट। बेटा, किसी भी कंडक्टर में से गुजरने वाले करंट के फ्लो ऑफ चार्जेस का रेट जो होता है वो आपके पास करंट कहलाता है। बेटा, रेट से मुराद डिवाइडेड बाय टाइम हो गया। आप इसकी डेफिनेशन यू भी डिफाइन कर सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। किसी भी कंडक्टर में से कितने चार्जेस गुजर रहे हैं कितने सेकंड में, इस रेशियो को हम क्या कहते हैं बेटा, करंट कहते हैं। यानी करंट निकालने के लिए आप चार्ज को टाइम से डिवाइड करेंगे और कौन से चार्ज जो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो रहे हैं। फर्ज करो आप किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ ज्वाइन करते हो। बेटा, चार्जेस जो होंगे वो एक एंड से दूसरे एंड तक क्या होने लग जाएंगे, ट्रांसफर होने लग जाएंगे जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे। इन पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने से जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उनका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। बेटा, मैथमेटिकली करंट आपके पास I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी के इक्वल होता है। ऐसे सिस्टम में करंट की यूनिट एम्पेयर होती है। अगर मैथमेटिकली फॉर्मूला देखते हैं, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये मैथमेटिकली फॉर्मूला हो गया किसके बेटा, करंट। बेटा, करंट दो टाइप्स का होते हैं। एक को हम नेगेटिव करंट कहते हैं। नेगेटिव करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं। नेगेटिव चार्जेस हमेशा बैटरी के लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। लो पोटेंशियल से मुराद नेगेटिव और हाई पोटेंशियल से मुराद पॉजिटिव। बेटा, यहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव ये बता रहा होता है कि जो वैल्यू कम होगी उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव, और जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव। द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज नोन एज नेगेटिव करंट, इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रॉन करंट हमेशा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, यानी लो पोटेंशियल से मूव करता है और किसकी तरफ जा रहा होता है, हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा होता है। जो छोटी वाली प्लेट है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रही है, बड़ी वाली प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल को। और ये नेगेटिव चार्जेस कैसे मूव कर रहे हैं बेटा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। बेटा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लो का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होगा। वो पोटेंशियल की वैल्यू जहाँ पर वैल्यू कम आ रही होगी उसको हम लो पोटेंशियल कहते हैं या नेगेटिव वैल्यू कहते हैं। यानी 3 और 5 को कंपेयर करेंगे तो 3 नेगेटिव कहलाएगा और 5 पॉजिटिव कहलाएगा, लेकिन 5 और 8 को कंपेयर करेंगे 5 नेगेटिव कहलाएगा और 8 पॉजिटिव कहलाएगा। सेकेंड करंट पॉजिटिव करंट होता है। बेटा, पॉजिटिव करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कहलाता है, इसको कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। बेटा, कन्वेंशनल करंट जो होता है वो बैटरी के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा होता है। क्योंकि यहाँ पे चार्जेस जो है हाई पोटेंशियल यानी ग्रेटर प्लेट से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे होते हैं। बेटा, सॉलिड्स में या तो कन्वेंशनल करंट की बात की जाएगी या इलेक्ट्रॉन करंट की बात की जाएगी, दोनों करंट एक साथ हम डिस्कस नहीं करेंगे। बेटा, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी बुक में पेज नंबर 106 पे एक न्यूमेरिकल मौजूद है। 13.1 कह रहा, करंट अ सर्टेन बैटरी इज रेटेड 80 एम्पीयर आवर्स। एक बैटरी है जिसमें से कितना करंट पास कर रहा है, 80 एम्पीयर करंट पास कर रहा है हर आवर्स, यानी एक आवर्स में गुजरने वाले करंट की अमाउंट कितनी है बेटा, 80 एम्पीयर।
हाउ मैनी कूलम्स ऑफ चार्जेस, आपने मालूम क्या करना है, चार्जेस कैलकुलेट करना है, कैन दिस बैटरी सप्लाई, इस बैटरी से निकलने वाले चार्जेस को मालूम करना बेटा। गिवन में आपके पास करंट 80 एम्पीयर गिवन है, टाइम आपके पास 1 आवर है, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 मल्टीप्लाई बाय 60 बेटा, आवर्स 1 आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 3600 सेकंड हो गया। मालूम क्या करना है बेटा, हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज करंट की डेफिनेशन की मदद से कैलकुलेट करेंगे। We know that I is equal to Q upon T और I बराबर हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा I into T के। I की वैल्यू 80 एम्पीयर है, T की मेटर वैल्यू 3600 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 288000 कूलम आ रहा है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं बेटा 2.88 × 10^5 कूलम। बेटा इस लेक्चर में हमने करंट को डिस्कस किया और करंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की। आई थिंक बेटा आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थैंक यू बेटा।